तो इनको देते हैं। हाँ आप पीछे क्या है, पीछे क्या है, आ जा रुको रुको। अरे यार वैसे दे रहे छोड़ते यार दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं, लड़ाई नहीं करो लड़ाई नहीं करो, दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, हाँ दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग में जो है गरीब किसे कहते हैं उस चीज को आज दिखाएंगे दोस्तों, कि गरीबी कैसा होता है, गरीबी ने क्या नहीं करवाता है, ये सारे बातें इस वीडियो में दिखाएंगे। उस गरीबों लोग के साथ में थोड़ा बहुत जाएंगे, आज बातें करेंगे और उनके साथ खेलेंगे मस्ती करेंगे। तो ये है जिस तरह की आज ने बहुत सारे ऐसे लोग बोलते भी हैं कि हम गरीब हैं, उनके पास बहुत कुछ रहता है फिर भी वो बोलते हैं कि हम गरीब हैं हम गरीब हैं। तो आज गरीब क्या होता है, गरीब कैसा होता है, इस चीज को आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कि आज सुबह सुबह ब्लॉग शुरू कर लिए, देख सकते फर्स्ट टाइम एकदम अभी मॉर्निंग में किए हैं और छत पे आकर के ब्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि नीचे बैरक में बहुत सारे लोग हैं तो मतलब हल्ला हल्ला होता है, इस वजह से नहीं करते हैं, बिल्कुल ओपन छत पे आकर के ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। अभी जस्ट निकलेंगे, 15 अगस्त का जो है परेड रिहर्सल शुरू हो गया हम लोग का, तो 15 अगस्त का परेड रिहर्सल के लिए, और परेड रिहर्सल में वहीं पे कुछ ऐसे ऐसे बहुत मतलब इतना गरीब है, इतना गरीब है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे स्थिति में है वो लोग। वहां पे देखकर आंख से आंसू आता है वहां पे दोस्तों, वहां पे जाने के बाद। लेकिन आज चलेंगे और वहां से आज जुड़ेंगे हम बिल्कुल, तो अब कंटिन्यू वहां से जुड़ते रहेंगे, हर बार वहां पे जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहां की जहां तक हो हमसे संभव, जहां तक हेल्प हो उसके पास जा जाकर हेल्प करेंगे। आप लोग को वीडियो को दिखाते रहेंगे और देखते रहेगा आप लोग। तो फिलहाल आज चल रहे हैं परेड में, और उसके बाद परेड भी वहां होगा, और उसके बाद वहां पे गरीबों के साथ बातें भी करेंगे। तो चलो भैया, मैं आई की खाता है। उतना छोटा बच्चा खाएगा? हाँ, खाता है। मेरा पढ़ने नहीं जाता है तुम लोग? मैं आई खाता है, बिस्कुट दीजिएगा भैया, इसको बिस्कुट। हाँ बिस्कुट नहीं लाए बेटा, बच्चों खाता है, दे दीजिए। आ जाएगा, अपने आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ आ जा आ जा आ जा, रुक रुको रुको। अरे यार वैसे दे रहे छोड़ दे रहे, अरे छोड़ते यार दे रहे, अरे दे रहे, लड़ाई नहीं करो लड़ाई नहीं करो, दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, हाँ दे रहे दे रहे, बस जाओ हो गया भाई। एक को देंगे, एक को देंगे, एक और देखो है सब है ना, एक का को एक को देंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ दे रहे हैं दे रहे दे रहे दे रहे हैं, और ये को दिए ना इस बच्चा को, और अगर नहीं आएगा तब दे देंगे, ठीक ना। अरे रुक जाओ, हाँ हाँ देने, अरे रे छोटू, हेलो नहीं नहीं छोटू, हाँ देते हैं तुमको। तुम लोग पढ़ने नहीं जाता स्कूल है, क्यों नहीं जाता है पढ़ने, क्यों नहीं जाता है? नहीं ये एक एक देंगे, एक एक देंगे, रुको रुको, पीछे है ना तुम्हारे हाथ में, आ जाओ आ जाओ। तुमको तो दिए हैं, दिए ना अभी दिए थे ना, नहीं दिए अभी, अभी जस्ट दिए हैं तुमको यार। तो इनको देते हैं, हाँ आप पीछे क्या है, पीछे क्या है, आ जा, नहीं नहीं अभी दिए हैं, अभी दिए, अभी दिए हैं, ले तो जा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ले आ जाओ ले लो, उसके पास ले ले लो ले लो ले लो, बस नहीं आना आने तो लेडी जा रही है। नहीं बेटा तुम लोग जो दे दिए जिसको उसको मत दिए हैं, अब समाप्त हो गया, अब समाप्त, अब समाप्त, पीछे क्या है, पीछे क्या है, अब सब है। हाँ तो गाइज आगे अभी जस्ट परेड से, जो कि 15 अगस्त का परेड रिहर्सल शुरू हो गया और परेड करके फाइनली आ गए हैं, और उसके बाद में दोस्तों वहां पे आप लोग वीडियो में देखें ही कि वहां पे कितने सारे, वो एक स्टेडियम बहुत बड़ी स्टेडियम है,
उस स्टेडियम के साइड में जो बाहर का जो स्टेडियम का जो अंदर का सीढ़ी होता है, उस अंदर का बाहर का जो एरिया होता है उसी को रूम बना करके उसमें लोग रहता है। तो समझे, उसके पास रहने के लिए वो ऐसे इतने गरीब हैं कि उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है। तो वो सरकार का जमीन पे वो खुद का किसी न किसी तरह से बना करके वो रह रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, बच्चे लोग को पाल रहा है, जैसे भी हो मजदूरी करके है, जैसे भी हो। उस बच्चे लोग को आपने देखे, उस बच्चे को पहनने के लिए कपड़े नहीं है और खाने के लिए उसके पास अनाज नहीं है। दोस्तों, इस परिस्थिति से वो लोग जी रहा है, झेल रहा है, देख करके आंख से आंसू आया। बट कुछ जो था मेरे पास अवेलेबल उस समय अचानक लिए और थोड़ा बहुत जो हुआ बच्चे लोग को खुशी कर लिए, कुछ उसे बांटे। पर थोड़ी सी गलती ये हुआ कि वो छोटे छोटे ज्यादा बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा था, उसके लिए हमें बिस्किट लेकर जाना चाहिए था, लेकिन बिस्किट लेकर नहीं गए। लेकिन चलो, कोशिश रहेगा अगले बार से उन बच्चों को जो एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बिस्किट चाहे दूध ऐसे लेकर जाएंगे, और उन लोग को जरूर पक्का है कि दूध या बिस्किट लेकर के जाएंगे और उन लोग को भी खिलाएंगे। तो आप लोग को आज वीडियो में देखने को उससे पता चल गया होगा कि गरीबी किसे कहते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हैं गरीब को नाम पे आप लोग को शोषण करते हैं, आप लोग को इमोशनल करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों गरीब वो लोग हैं जो कि आज ने हम जिसके साथ वीडियो बनाए हैं उसके साथ वहां पे सारे जितना हमारा फोर्स लोग था सभी लोग देख करके ताजुब किया। बहुत सारे लोग बोला कि यार अच्छे कर रहे हो अरविंद, बहुत अच्छा कर रहा, हमें धन्यवाद दिया वो सारे लोग। हमारा और पार्टी जो है वो लोग, वाह तुम इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा इस गरीब लोग के लिए किया। और कुछ ऑफिसर्स ले थे वो भी हमें बहुत धन्यवाद किए, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारा काम से सराहनीय लगा आपको और हमें धन्यवाद दिए। तो ऐसे बहुत खुशी हुआ, इससे होता है क्या, मेरा मनोबल ऊंचा हुआ, मेरा मनोबल बढ़ा। कोशिश कंटिन्यू रहेगा कि अब ऐसे काम कंटिन्यू हम करते रहें ताकि हमारे वीडियो को देख करके आप लोग खुश हो और आप लोग मोटिवेट हो। खास करके हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब ये मकसद नहीं है कि हम उस गरीब को दान कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये था कि इस वीडियो को देखकर आप लोग भी सीखिए और आप लोग भी कुछ आपके आसपास के जो ऐसे गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, उनको कुछ ना कुछ जो आपसे हो वो हेल्प कीजिए। क्योंकि मैं भी दोस्त किसी की वीडियो देखकर ही मोटिवेट हुआ हूं और उसे उसके बाद लगा कि नहीं ये काम हमें करना चाहिए और तभी इस काम को हम शुरू किए। इससे पहले हम ये काम नहीं कर पाते थे, देख करके दया आता था लेकिन नहीं कर पाते थे, ऑफ कैमरे कर लेते थे, लेकिन ऑन कैमरे में जब उस वीडियो उनको देखना शुरू किए तभी लगा कि नहीं ऑन कैमरे में करने से होगा क्या, इस समाज में एक मैसेज जाएगा और उस समाज के लोग देखेंगे, देखने के बाद वो भी इस तरह के काम करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, अनुरोध है, प्लीज जो भी इस तरह के आदमी आप लोग को मिले, जहां भी मिले इस तरह से मजबूर लाचार, उन लोगों को जरूर हेल्प कीजिएगा, बहुत पुण्य मिलेगा। और अगर आप हेल्प कीजिएगा तो भले आपको कोई देख नहीं रहा हो पर ऊपर वाले हैं जो कि आप लोग को देखेंगे और आपके साथ जरूर, आप किसी के साथ अगर अच्छा कीजिएगा तो दूसरे के साथ श्योरली कि अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा होगा। तो बस कोशिश रखिए कि मेरे साथ कोई बुराई करे उससे हमको मतलब नहीं, बट हम बुरा किसी के साथ नहीं करें, ये भावना एनी टाइम रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग ये वीडियो देखकर मोटिवेट हो और ये काम करना शुरू करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।